वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग। बहुत दिनों से व्लॉग करने की सोच रहा था, लेकिन कोरोना हैपेंड और पुणे शटडाउन हो गया। एंड दैट्स व्हेन आई ट्रैवल बैक टू माय होम टाउन। और आई थॉट कि कहीं से तो शुरू करना है, पुणे से हो या होम टाउन से हो। कुणाल के साथ तनु आ गई है और अपन निकले पेट्रोल भराने के लिए। खाकी चीजों का इंतजाम हो गया है और अभी भूखे लोग वेट कर रहे हैं। ऐसे ये फर्स्ट ब्लॉग है और ऑलरेडी हमें लग रहा है कि ये गलत डिसीजन था। आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है वहाँ पे। भाई मजा आ रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है, बस प्रॉब्लम है गर्मी का। तो अभी हम रुके हैं और हम एक गांव के पुल पे है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, दोनों साइड देख सकते हैं। तो वो अपनी राइड है 800 और इधर क्या चल रहा है? क्या म्हणता काका? काही नाही, वावरत ना आले का? चलते आगे। जमीन स्टार्ट करतो। त्याला कर्णागड कुठून ह्या रोडनं असं इकडे जाऊ का? पुढे बाजू पुढे जायचा इथून। अभी हम ऑलमोस्ट गाव में आ गए जहाँ पे हमें जाना है। इट वॉजंट फार और ये अपना दोस्त भाग रहा है। नोरिये टूटी टूटा हुआ घर। कर्णागड़ कौन सा रास्ता जाते हैं? सरल का पहुंच गए ऑलमोस्ट और वी ऑल आर सेट टू गो आउटसाइड। देखते हैं। और यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती है बोल रहा है। थोड़ा टेम्परेचर भी अभी लो हो गया, टेम्परेचर भी थोड़ा नॉर्मल सा हो गया है। कांच ऊपर चढ़ा लेते हैं और ये निकले हम बाहर। ये और सीन कुछ ऐसे है, ये था गांव जहाँ से हम आए। हमें जाना है ये साइड। एंड इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। पैर पूरा खराब हो गया और वो लोग आगे चले गए, उनको पता भी नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे को पैर धोना पड़ेगा, पैर तो वही पानी से धो लिए और आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई मुझे देखेगा यहाँ पे तो डेफिनेटली पागल समझने वाला है। और लेकिन यहाँ के सीन बहुत अच्छे है, आप ये देख सकते हो पूरे क्लाउड्स है, बड़े बड़े पेड़ है। और दिस इज द प्लेस वेयर वी आर ट्राइंग टू गो। और अपनी गाड़ी पीछे रखी हुई है, लेकिन रास्ते कुछ ऐसे ही है जहाँ से हम आगे कुछ भी नहीं लेके जा सकते। विल हैव टू वॉक। हो ना
किती दूर आहे अजून कर्नाकड? जवळच आहे ना. चला धन्यवाद. सब लोग वैसे थक चुके हैं बट स्टिल छोटा सा ही ट्रैक था लेकिन बहुत दिनों से किया नहीं है कुछ भी तो सब लोगों की हालत थोड़ी थोड़ी टाइट है. और कुणाल? हाँ. कैसा लग रहा है? अरे मस्त. तनु? दकास. बहु क्या आता है? मस्त. बहुत मजे आ रहे हैं वहाँ पे. देख सकते हैं वहाँ पे पूरा पानी जैसा कुछ दिख रहा है जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है. और ये जगह लाइक आई एम लिविंग हियर फ्रॉम लाइक पास्ट 28 इयर्स. यही मेरा गांव था नियर बाई लेकिन आज तक कभी ये जगह पे आया नहीं. एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियर एंड दिस इज़ ट्रूली मिसमराइजिंग. मतलब ये पुणे का वेदर होता था लाइक वेदर इज़ हॉट बट जो सीनरीज है लाइक इफ़ यू कैन सी वहाँ पे क्लाउड्स देखो कितने क्लियर लग रहे हैं. ये पुणे में भी ऐसे ही देखने को मिलते हैं व्हेन यू गो आउटस्कर्ट्स. लेकिन अभी नागपुर के अंदर वो भी मेरे गांव के पास इतनी प्यारी जगह. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम. इतने देर कितना देर लगने वाला है लेकिन हम लोग तो चल रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं. और मौसम बहुत ही ऑसम होने लगा है. कुणाल तो कुछ बोल रहा था. और जहाँ ये एक्सपोजर जैसे चेंज किया है वैसे ही देखो लाइक इट्स चेंजिंग इट्स अवतार. जहाँ तक मुझे पता ये सिर्फ स्टार्टिंग है. मैं यहाँ पे 2 साल पहले आया था तब से हम सिर्फ 2 मिनट का रास्ता ही चढ़े हैं बाकी कुछ नहीं. सीरियसली? हाँ. तो दैट मीन्स और 1 घंटा लगने वाला है हमें आगे पहुँचने के लिए. हाँ, आराम से चलो चलते भागते थोड़ा. भागी क्या? चलो. ऐसा लग रहा है यहाँ पे जादू आने वाला है. पूरा काला हो रखा है और जोरों की बारिश होने वाली है. और नज़ारे और शायद मैं बारिश महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पे. पता नहीं कितनी देर तक वो चलने वाला है. अभी तक चढ़े नहीं है. एक पहाड़ चढ़ लिए जो वो छोटा था एज पर कुणाल. दूसरा चढ़ने का बाकी है और पता नहीं हम वहाँ तक पहुँच ही पाएंगे नहीं पाएंगे. कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है. यहाँ पर कुछ झरना है क्या? आई एम नॉट श्योर यहाँ पे अगर कोई झरना है लेकिन आई कैन हियर साउंड ऑफ ओ फक दिस इज रेनिंग. पाउस इतना पाउस बारिश आ रही है और उसका आवाज था. अब इधर भी आ रहा है मेरे मोबाइल पे भी आ रहा है. सो वी आर लाइक हाफ वे डन. अभी भी इतना बड़ा एरिया बाकी है एंड हम लोग यहाँ यहीं पे खड़े विल गो अपस्टेयर्स. वहाँ पे एक देख रहे छोटा सा गांव दिख रहा है बहुत सारा लग रहा है यहाँ से. और दैट क्या बोलते हैं उसे स्काईलाइन दैट इज ट्रूली अमेजिंग. Thank you.
वी आर एट द टॉप और बारिश जोरों से चल रही है, मेरे शायद कैमरे पे भी आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग पूजा करने के लिए आए हुए हैं। एंड इफ यू सी यहाँ पे पूरे गाय घूम रही है और ऑलमोस्ट भीग चुका हूँ, फिर भी ब्लॉग तो करना ही है। उसके लिए मैंने कवर लगा के रखा है, कवर चढ़ा के रखा है मोबाइल के ऊपर। मज़े आ रहे हैं, मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। और देखो, अगर आप देख रहे होंगे तो ये पूरा फॉग यहाँ पे आ चुका है, हम पूरे क्लाउड में। और बाल की तो लगी है भाई, ओ भाई। और ये देखो, राज मूवी का फिर से शूटिंग यहाँ पे हो सकता है। लेट्स सी, अभी मेरा मोबाइल बचता है, मेरा कैमरा बचता है या नहीं बचता है, बट आई एम व्लॉगिंग। और ये बारिश में मेंढक नाचते हुए चमचम, और बड़ी मजे आ रही है। और हम पूरा बादलों में आ गए, और पीछे पूरे बादल छा गए, और हर जगह पे बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले दिखो, और हम चार लोग। और तो अभी बारिश फुल ऑन चल रही है, और स्क्रीन देखो कुछ ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे। और बैटरी और मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है, लेकिन अपनी बैटरी है 3% पे। पूरा सीन चल रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। आपको कैसा लग रहा है आप बताओ कमेंट करके, गाली भी दे सकते हो वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्राइब भी कर दो, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं मोबाइल निकाल पाऊंगा, क्योंकि बैटरी तो खत्म है। अभी जाके करते हैं घर में बात। चलो, कैसा लगा आपको मेरा पहला ट्राई? अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बता दो मुझे, बुरा लगा होगा तो डिसलाइक का बटन है ही। और अगर आपको कोई सजेशंस हो तो दे आर ऑलवेज वेलकम। तो ब्लॉग ख़त्म करने से पहले कुछ बातें, ये मेरा पहला ब्लॉग था, थोड़ा नर्वसनेस भी था, इनफैक्ट है अभी भी। तो आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अपार्ट फ्रॉम दिस, आज के ये पूरे जर्नी में जो अपना ट्रैक रहा बहुत ऑसम रहा, छोटा सा था लेकिन मज़े आए। अपन गढ़ पे चढ़े, क्लाउड्स में घुसे, थोड़े सिनेमैटिक्स लिए, और बारिश में भीगते हुए वापिस आए, वो सब कैसा लगा आपको? डू लेट मी नो। बाय बाय।